से जान को जोखिम में डाल के हम लोग निकलते हैं यहाँ से। पूरा पीछे पूरा देखो, पूरा गड्ढा 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 गड्ढा। आए करो, नाम बताओ। इसका पंचर बनते बनते भी एक घंटा हो गया, पंचर जी बन रहा है। देखो टायर खोल के ले गए। अगर कपड़ा गिफ्ट करे मैं भी बहुत खुश हो जाऊंगी। कपड़ा गिफ्ट करे तो मेरे को कोई बर्थडे पे, मेरा भी बर्थडे आ रहा है 11 अगस्त को। हेलो, प्लीज लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो ये वाला स्कार्फ ले ली हूँ मैं, पिंक कलर का। ये सुबह तैयार हो चुकी है। आज की रात ताला कभी सब बाहर रह सकी वर्षा पड़े देखो तालाब, हमारे यहाँ का तालाब है ये। बहुत बुरी दुर्दशा है यहाँ की गलियों का, पानी पानी, इतना सारा तालाब को पार करके आए हैं। देखो हम लोग तो कहाँ से जाए, कैसे जाए, कहाँ से। हाँ, टमाटर बड़े मज़ेदार, ओहो टमाटर बड़े मज़ेदार। हाँ बेटा, जान को जोखिम में डाल के हम लोग निकलते हैं यहाँ से। पूरा पीछे पूरा देखो, पूरा गड्ढा 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 गड्ढा। यहाँ के पार्षद से बात करना पड़ेगा रोड बनाने के लिए, पूरा रास्ता खराब है। रास्ता तो बरसात में ही खराब होता है ना, बताओ। ठंडी में गर्मी में क्या है। हाँ बेटू, रास्ता इतना अच्छा है कि गाड़ी हो गया पंचर। आप लोगों को रास्ता तो मैं दिखाई रही थी, तो मैं उतर गई हूँ, पीछे का चक्का पंचर हो गया है। तो अब मेरी बहन और रिशु दोनों को भेज दी हूँ गाड़ी में, क्योंकि चल ही रहा था, पंचर हो गया। तो इस रास्ते में दो बार निकले हम लोग, दोनों बार पंचर हो गया, ये दूसरी बार गाड़ी पंचर हुआ है। यानी रास्ता कब तक बनेगा, बारिश भी शुरू हो गई है और टायर बनने में आधा घंटा लगेगा। ये फिर खड़े होते इसके नीचे। वो खड़ी है वहाँ पे, अपना पंचर बनवा रही है। इसका पंचर बनते बनते भी एक घंटा हो गया, पंचर जी बन रहा है। देखो तो टायर खोल के ले गए। एक घंटे से मैं वेट कर रही हूँ, दुकान से ऋषि को चॉकलेट खिला डाली, कितना कुछ खा लेना बेटा। बहुत वेट करना पड़ा हमें, क्योंकि भैया वो ट्यूब लाने के लिए दूसरे कहीं पे गए थे, वहाँ से लेके आए। फिर अभी इसका फाइनली गाड़ी का ये बन रहा है ये। फिर यहाँ से हम लोग अभी निकल पड़े। तो जस्ट अभी हम लोग घर पहुँचे हैं, तो पहुँचने के बाद पता चलता है कि सामने घर में बर्थडे पार्टी है, तो उसका इन्विटेशन है, वहीं पे भी जा रहे हैं। और आज ये साड़ी, हाँ बेटा, हाँ अभी बर्थडे में जाएंगे, ऋषि भी जा रही है। तो साड़ी लेके आई हूँ, बहुत सारा साड़ी री ऑर्डर था, उसी को लेके आई हूँ। चलते हैं, मैं थोड़ा सा चले, हो गई तैयार। चलो ऐसे ही मैं जाऊँगी, घर के सामने ही है तो नॉर्मल, आपको तो पता है मैं सिंपल ही रहती हूँ। चलो फिर चले, चलो बुलाने भी आए थे। क्या झिल्ली पास है, गुनो पास ही ना है, तो झिल्ली तौर पर तो दामा का तो झिल्ली ना है ना, ऐसे तो अच्छा ब्लू कलर झिल्ली वैसे। गिफ्ट हमने ले लिया है, आप लोग को तो पता है वो क्या गिफ्ट हो सकता है। क्या नहीं कि जस्ट हम लोग घर पहुंचे सामान लेके, अभी शॉप से तो जस्ट वो आई, आके बोलती है दीदी मतलब ऐसे आप लोग आए थे, बहुत समय से आप लोग थे ही नहीं, तो घर में ऐसे दीदी का बर्थडे है तो इंस्टेंट क्या गिफ्ट लूँ। तो आप लोग को पता है मेरे घर में कपड़े का शॉप है, तो वहाँ से उसके लिए एक प्यारा सा कुर्ता ले लूँ। चले चलो, अगर हम लोग रहते अगर पहले होता तो कुछ अलग। वैसे गर्ल है तो वैसे लड़के को कपड़ा तो पसंद आता ही है। मुझे भी कोई बर्थडे गिफ्ट में अगर कपड़ा गिफ्ट करे तो मैं भी बहुत खुश हो जाऊंगी। कपड़ा गिफ्ट करे तो मेरे को कोई बर्थडे पे, मेरा भी बर्थडे आ रहा है 11 अगस्त को, 11 अगस्त मेरा बर्थडे आ रहा है, 11 अगस्त को मेरा बर्थडे आ रहा है, मेरे को भी कोई अगर कपड़ा गिफ्ट करे मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है। देखो ऐसे ऐसे इग्नोर लोग होते हैं, बात सुन के इग्नोर मार देते हैं।
चलो चले, लो गिफ्ट पकड़ो, दीदी को देना, लो 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 लो, चले जादुई गिफ्ट आप देना गिफ्ट दीदी को। ओके चलो करूंगी कि एक आध वीडियो बना पाओ, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी सब बच्चे रहेंगे, तो अब आप लोगों को पता है मेरे चैनल में बच्चे अलाउ नहीं है, आप लोगों को तो पता ही होगा। अब क्या है आप लोगों को बताओ मैं। हाँ बेटा जा रहे जा रहे जा रहे, बस अब मैं बच्चे लोगों को दिखा नहीं सकती। यहाँ पे जितने सारे घर है ना, सब घर में बच्चे, पता है सब घर में बच्चे, एक नहीं दो दो बच्चे भी है वहाँ, सब बच्चे। रुको बेटा मैं तो चेहरा ऐसे देखा, मैंने कैसे तेल से लग रहा है, ऑयल ऑयल। चलो मम्मा तो तैयार है। करना है आपको, करना है हाँ। फोटो लगाइए, बोल रहे चलो करो, नाम बताओ। मेरे को नहीं सुनाई दिया, विनम नाम है इसके, दीदी का बर्थडे। अभी होने वाली यहाँ पे गुपचुप पार्टी, आप लोगों को पता है गुपचुप हर किसी को पसंद होता है, 100 मेनी 9 लोगों को तो गुपचुप पसंद ही होता है। गुपचुप में कोई जेंडर नहीं होता, मेल फीमेल दोनों को पसंद होता है। प्लीज लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू। आपका नाम विद्या। विद्या विद्या का बर्थडे सब लोग विश कर दीजिएगा। अरे इनमें सब में मसाला भरते हैं, रख देंगे पानी रख देंगे, अपनी मर्जी से खाओ जिसको जैसा। जो पार्टी भी होने वाली है अनलिमिटेड होने वाली है, अनलिमिटेड पार्टी है, डोंट वरी। यहां पे यही बैठे रहो, ऐसा कितना पैकेट, दो तीन। तो फाइनली मैं भी बैठ गई थी यहाँ पे गुपचुप फोड़ने के लिए। गुपचुप ऐसे फोड़ फोड़ के अलग करेंगे, फिर उसमें मसाला डाल के फिर सबको देना है, या फिर मतलब खुद लेके खा सकते हैं, सेल्फ सर्विस थी, अच्छा था। गुपचुप पार्टी होना चाहिए, जिसको जितना मन अनलिमिटेड है, जिसको जितना खाना है खाओ, कोई बाउंडेशन नहीं था। वैसे आज ही ऋषु बोल रही थी मम्मा मुझे पानी पूरी खाना करके। उसके बाद यहाँ पे नाश्ता दिया गया, नाश्ते में आपका केक था, बड़ा था, चटनी थी, ये जो बड़ा बहुत टेस्टी बना था। फाइनली देखो ये जस्ट हमारे पीछे वाला घर, वहीं पे पार्टी था। देखो रिसु गुस्सा हो गई है, क्यों आए करके। हाँ छोटा बलून तो वही है, उसको फोड़ के छोटा बना के दो, यही है छोटा बलून चाहिए। हाँ चलो इसको फुटबॉल खेलेंगे, चलो चलो अब मैं जाती हूँ, मेरे को भी आना है लाइव। मैं हाँ बेटो तो ड्रेस सब खुले दे, तो फाइनली मेरा भी खत्म हुआ है लाइव सेशन। अब इतने सारे कपड़े हैं, सारे कपड़े हैं जो मुझे भी जमाना पड़ेगा, तो चलते हैं। सबसे पहले जाते हैं नीचे, फिर बाद में आके इसको जमाऊंगी, क्योंकि 11 ऑलमोस्ट 11 बज चुका है। मतलब आप सभी ने मुझे बहुत अच्छी बातें बताई कि दरवाजे के चारों ओर मनी प्लांट नहीं लगाना है, तो फाइनली मैं मनी प्लांट खोलने वाली हूँ और कर्टन्स लगाने वाली हूँ, और वेलवेट के कर्टन अच्छे लगेंगे मुझे किसी ने कहा है, तो खोल दूँगी, क्या करूँगी, खाना खा के आती हूँ उसके बाद खोल के फिर मुझे माप लेना पड़ेगा, जितने खिड़की दरवाजे सबका माप लेना पड़ेगा, फिर दुकान जाना पड़ेगा। मासी खाना खिला रही है, और भी 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 भी। आप होता है बेटा आप। तो आ चुकी हूँ मैं, और मेरी बहन खाना बना चुकी है, कुंदरू की सब्जी बनाई है और बनाई है परवल भाजा बनाई है,
तो आप लोगों को पता है बस हल्दी और नमक डाल के भाज दो, हो गया पापड़ भाजा। आज गई थी मार्केट में, मैं तो ब्लॉग बनाना ही भूल गई, ऐसे ही होता है मेरे साथ। आज एक आप लोगों को याद है कि नहीं पता नहीं, ये गोल गोल टोस्ट आप लोग खाए हो कभी? गोल गोल टोस्ट अभी तो लंबा लंबा मिलता है, ये नहीं मिलता गोल गोल वाला। तो गोल गोल टोस्ट में लेके आई, मेरे को दिखा जब मैं छोटी थी ना क्लास 3-4-5 में, तब मिलता था, ऐसा चबाओ तो पूरा मुंह दर्द में जाता था गोल गोल टोस्ट में। चावल पिठाने गई फिर याद आया कि बैग वैसे ही रखा हुआ है, बहुत सारी चीज़ आज मैं खरीदी आप लोगों को दिखाती हूँ। ये एक टंग क्लीनर कॉपर का अच्छा रहता है। शैम्पू खरीदी हूँ 10 पैकेट क्लिनिक प्लस, ये मेरे बाल में अच्छा रहता है। फिर टूथपेस्ट खरीदी हूँ दंत कांति का, मुझे वहाँ पे होम मेड अचार दिखा, ये देखिए होम मेड अचार है ना घर का बना हुआ, ये आम का अचार, इसलिए इस तरीके का है ये। तो ये डब्बा मुझे देख के मेरा तेल गिर गया बेटा। हाँ बेटू तेल गिर गया। एक घी खरीदी हूँ, अनेक घी खरीदी हूँ, घी लगता है रिशु के लिए। दलिया खरीदी हूँ रिशु के लिए। सेवन बड़ी खरीदी हूँ, पूरा देखो तेल गिर गया बेटा अचार का तेल। ये रिशु के लिए शैम्पू खरीदी हूँ और ये चावल खरीदी हूँ 5 किलो 5 किलो 10 किलो चावल। ये पोहा खरीदी हूँ, ये ना हमारे रायपुर में बनता है घर में और ये बहुत फेमस है, तो पूरे घर के अचार की खुशबू आ रही है। हाय, एक होता ना खरीदा अचार बहुत सारे कंपनी का, वो सब तो लाखों कोसों दूर अचार का खुशबू है, पूरा होममेड, ऐसा लग रहा है दादी बनाई है अचार। ये आज मैं खाने में खाने वाली हूँ, चलिए अच्छा चावल लेके आती हूँ, चावल भी खाना है। तुझसे मिलने को अखियां तरस गई। चावल 5 किलो 5 किलो लेके आई हूँ, चल जाएगा हमारा 10 किलो चावल हो जाएगा पूरा। मेरी बहन ने खाना बनाई है, इस घर में पहली बार खाना बनाई ना, तो अच्छा मैंने बनाई है, मेरी बहन खाना बनाई आज कुंद्रू की तरफ। चलिए भी मैं खाना वाना खा लेती हूँ, खाना खा के फिर मैं आप सबसे मिलती हूँ। खाना खाऊंगी फिर इशू को सुलाना भी है। चलो एक काम हो गया मेरा, हो गया मेरी बहन खाना बना दी, तो ये थोड़ा सा टेंशन फ्री।